हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हॉट ऑयल मसाज के आपके बालों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, आपके बालों की चमक और मजबूती बनाने के लिए गर्म तेल आपको कैसे फायदा पहुँचाता है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ जो भी मैं यहाँ पर ऑयल लगाऊंगी मसाज के लिए, तो उसको मैं डायरेक्ट गैस पर नहीं गर्म करूंगी। मैंने यहाँ पर एक बाउल में बिल्कुल उबलता खोलता हुआ पानी ले लिया, उसमें मैंने कांच का छोटा बर्तन लिया है जिसमें मैं अपना ऑयल मिक्स करूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कैस्टर ऑयल लिया है अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें मैं ऑलिव ऑयल मिक्स कर दूंगी। आपको जो भी ऑयल सूट करता है गाइस, तो वो वाला आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 4 से 5 ड्रॉप ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं टी ट्री ऑयल की 4 से 5 बूंदें ऐड करूंगी। गाइज अगर आप मसाज के लिए सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो, तो उसको आप डायरेक्ट गैस पर गर्म कर सकते हो। तो गाइज अब जान लेते हैं कि गर्म तेल से जो मसाज करेंगे उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो गाइज बालों की ग्रोथ पर कई चीज़ों का इफेक्ट्स पड़ता है। आजकल की जो लाइफ होगी गाइज, इतना पोल्यूशन हो गया है, जो हमारा खान पान है वो भी इतना प्योर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। फास्ट फूड लोग इतना ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं, और गाइज स्ट्रेस भरी लाइफ होगी तो उसका इफेक्ट हमारे बालों पर पड़ता है। बाल कमजोर होते हैं तो गाइज झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो गाइज अगर आप गर्म तेल से मसाज करते तो सबसे पहले आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। स्ट्रेस कम होगा तो गाइज उसका इफेक्ट हमारे बालों पर नहीं पड़ेगा, बाल हमारे कम झड़ेंगे। तो गाइज ये आपके जो हमारी स्कैल्प है उसके ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है अगर हम गर्म तेल से मसाज करते हैं। बालों में गर्म तेल की मसाज से हमको नींद बहुत अच्छी आएगी, और गाइज नींद बहुत अच्छी आएगी तो लाजमी सी बात है आपका स्ट्रेस भी कम होगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो गाइज आपको गर्म तेल की मसाज है वो रेगुलर करनी चाहिए। अगर आपको लंबे और शाइनी हेयर चाहिए तो आपको रोजाना गरम तेल से मसाज करनी चाहिए। गरम तेल हेयर मसाज से आपके जो बेजान बाल है चमकदार हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत रूखे हैं तो गाइज आपको कोकोनट ऑयल से मसाज करनी चाहिए। पर आपको ध्यान रखना है गाइज, अगर विंटर्स का टाइम है आप कोकोनट ऑयल की मसाज दे रहे हो तो बालों को आपको मसाज के बाद कवर कर लेना है। किसी भी वुलन क्लॉथ से या टॉवल होगा उससे आपको मतलब कवर कर लेना है जब तक आप बालों को वॉश ना कर लें। क्योंकि गाइज जो कोकोनट ऑयल होता है वो हमारे जो बालों की जड़ होती है उसको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। अगर ये आप रेगुलर करें तो आपको बालों पर किसी भी तरह के जो इतने महंगे महंगे आप कंडीशनर यूज़ करते हो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बालों में बहुत डैंड्रफ है और ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो गाइज आपको बालों में टी ट्री ऑयल है उसको मतलब उसकी मसाज आपको करनी चाहिए। तो बालों की डैंड्रफ को दूर कर देगा, बिल्कुल एकदम आपकी स्कैल्प को क्लीन कर देगा। अगर आपको स्ट्रेट बाल पसंद है तो भी आपको गर्म तेल से मसाज करनी चाहिए। अगर आपके स्प्लिट एंड्स हैं, दो मुँह हैं, बाल हो गए हैं, बाल बहुत रूखे हैं तो आपको गर्म तेल से मसाज करनी चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। दो मुँह बालों के लिए गाइस कोकोनट ऑयल से मसाज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट होगा। अगर आपके चिपचिपे बालों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो भी आपको रात को रेगुलर मतलब गर्म तेल से मसाज करनी चाहिए। तो गाइस गर्म तेल के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, सीरियसली अगर आप गर्म तेल से अपने बालों को रेगुलर मसाज देते हो तो आपको जितने भी बालों से संबंधित आपकी परेशानियाँ हैं प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। तो गाइज मैं अपने बालों को हमेशा गरम तेल से ही मसाज करती हूँ विंटर्स के टाइम में, तो मुझे बालों से रिलेटेड गाइज कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट जब से मैंने ये सब ट्राई किया है तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। तो गाइज बस यहाँ पर मैंने इतने अच्छे से मसाज कर दी, क्योंकि गाइज मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप मतलब हैवी हेयर ऑयल मसाज कीजिए, और फ्रेंच बन यहाँ पे मुझे बनाना था। तो मेरा मतलब दो टाइप की यहाँ पे वीडियो बन गई। आप तक भी ये मैसेज पहुँच गया कि आपको जो गर्म तेल की मसाज है वो कितनी फ़ायदेमंद है, और यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट जो मुझे भेजी थी वो भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच बन बना रही हूँ ऑयली हेयर में गाइज। तो बस यहाँ पे बालों को आपने ऐसे ट्विस्ट कर दिया था मैंने, और यहाँ पर ऐसे करके आपको यहाँ पे जो स्टिक आती है या पेंसिल स्टिक आती है वो यहाँ पर आपको लगा ली। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।